इन्हों के वाल मुसलमान हो गए तो उन्होंने जोड़े सन वो सिख ही रह गए। खून के रिश्तिया की खिच होंगी है, तड़प होंगी है, दर्द होंगी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा नाम की जी बुजुर्गो? मुहम्मद तफैल। कौम? कौम विरक जट। तो वाल साहब का नाम? भागदीन। भागदीन। तो दादा जी का नाम? मामदीन। ताड़े वाल साहब किन्ने भरा सन? कदा तुसी किन्ने भरा जे? दो भरा। ताड़ा दूसरा भरा वड्डा सी छोटा सी? अच्छा फौत हो गया। इत्थे एड़ा पिंड आ, इहदा नाम की है? घोगा। तहसील इहदी? हुण हुण भी तहसील कामों की। जिला? जिला गुजरां। थाना ततले? हुण थाना भी कामों की। अच्छा ठीक हो गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਦਰਗਾਹਪੁਰ। ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ? ਤੋਲੇ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਨੀਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ? ਮਨੇਰ। ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ? ਛੱਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਡੇਰਾ, ਘਰ? ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਰਹਿ? ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ? ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਖਣ। ਅੱਛਾ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੁੰਦੇ? ਘਰ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪੱਕੇ? ਪੱਕੇ ਘਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਨਾਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ ਹੋ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸਨ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਸਨਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਨਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਬੇਲੀ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਿਆ ਨੇ, ਭਤਰੀਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ? ਕੱਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਕੱਢਿਆ ਜੇ? ਵੰਡ ਦੱਸਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਲਾਜੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਨ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਵਿਰਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ?
पत्री उन्होंने मतलब कि बाद सिर्फ मुसलमान होए ने फिर बाद शादी हुई ठीक हो गया तो इतने जरा शादी कि जगह हुई थी फिर ते बाद की बूपड़े बूपड़े वो कितने है ततलियां के परली साइड पर ठीक हो गया तो ये जरा दूसरे सरदार सन पहली ताड़ी कट्ठी सी को जी सी को वड्डा जिमीदार भी है इस पिंड मुसलमान सन इतने शुरू से रहने वाले हाँ जी जेड़े शुरू से इतने रहने वाले सन नहीं मैं क्या उन्होंने ना की सन जेड़े पहले सन ताडे उम्र च ताडे हाणी दे अच्छा ठीक इतने नंबरदार कौन सी रहमत फेरक सी ठीक है इको नंबरदार सी पिंड दा दो दूसरा कौन सी सिखा वाली वो जो सरदार जी का नाम लिया वो केड़ा सी नंबरदार उन्होंने जो अकबर अच्छा नहीं अकबर तो पाकिस्तान बनने तो बाद फिर नंबरदार बने ना उस तो पहले सरदार केड़ा नंबरदार सी अनोज सिंह वो नंबरदार सी एक अनोज सिंह नंबरदार सी दूसरा केड़ा नंबरदार सी रहमत एक नंबरदार हो गया अनोज सिंह एक नंबरदार हो गया रहमत रहमत विरक ठीक हो गया तो इन अनोज सिंह होना के घर कितने करके सन पिंड विचकार विचकार उन्होंने घर के लागे खूही खाई भी है सी खूही है सी बामना कोल अच्छा ठीक है इतने किन्ने मतलब जगह से घर से उन्होंने वाह वड्डा सी कि दरम्याना जिहा सी अच्छा पूरा महल बनया सी अच्छा हिंदू कहने साडा है ते अनोज सिंह होनी कहने साडा है अच्छा फौजी सिंह का ओदा नाम की है याद नहीं रहा अच्छा ओ उदो उम्र कितनी सी ओदी बच्चे ओदे दी फौजे दे मुंडे दी थोड़ी भी उम्र सी अच्छा बाबा थोड़ा मुंडा सी अच्छा ताडे तो रिश्तेदार सन ते खानदान सी एक ही सी बिरादरी भी एक खानदान भी एक रिश्तेदार भी हो जिस टाइम ब्याह शादी होंदा सी ते किस तरह दे मेल वर्ताव होंदा सी फिर भी अच्छा मतलब कि जंजा जंजा दे नाल बरातां नाल जांदे सी एक दूसरे अच्छा सही है ठीक हो गया तो उन्होंने पिंड दूसरिया चलो तुम तो हो गए रिश्तेदार अनूप सिंह दे ते वो दूसरे जो सरदार ने वो तुम तो हो गए रिश्तेदार चाचे ताए के पुत्र हो गए तो ये जरा अपना दूसरे के ना तो किस तरह का लोगों के नाल उन्होंने मेल वर्तन सी अच्छा ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮੀ ਸਨ ਅੱਛਾ 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 ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ
गुरुद्वारा पिंड दखन पास पिंड दखन पास बहुत वड्डा गुरुद्वारा सी सोना बने कोई सी बाकी जेड़े मकान मुसलमान ने अपने आप ही बनाए सन दूसरी तीसरी बारी गलियां उच्चियां हो गई बाजार उच्च हो गए नालियां दा पानी पै गया है जी ओ दीवारां फट गईयां छतां नूं स्योंक लग गई सीमट गिरना शुरू हो फिर लोगों ने भी मुसलमान ने भी अपने मकान भी दो दो तीन तीन बारी देड़ के बनाए हैं। हाँ जी स्कूल जाते रहे पढ़िया नहीं अच्छा दिल नहीं किया पढ़ने राह मुड़ के आते रहे कि करके लंबे पे पैरी च लंबे पैने स्कूल की छुट्टी होने घर में आ जाए अच्छा ज्यादा खेड़ा खेड़िया होंगे सन उस वक्त जी सरदारा खेडते होंगे या बामना खेडते होंगे अच्छा सरदारा तबा जाके भी खेडते रहते हो गए हाँ बिलकुल सही ते द्वारा भी सरदार तो भरा सन तो उन्होंने दिन भी चल जाने रात भी चल जाने बड़े चंगे रहने हाँ जी कदी राबता नहीं होया लो जी ये चौधरी तफैल साहब वीरक साहब घोगे पिंड दे विच तहसील कामों की इन्हों अपने भरा ने जेडे अनोक सिंह तो सनत सिंह जेडे इन्हों चार पुत्र सन तो ये उन्होंने हजे भी याद करते पे ने उन्होंने नाल जेडे बीते हुए लम्हे वो गल्लां वो खेड़ां वो प्यार ते वो मुहब्बत वो हजे भी इन्हों जेड़ी है वो सतांदी है उन्होंने नैन नक्श उन्हें चलना तो फिरना वो हजे भी इन्हों दिल के उस तरह ही बार बार ख्याल आता है तो फिर वो इन्हों चाचिया ताइया जिन्हों के कोल बैठ के चाह पानी या लस्सी या रोटी टो क्योंकि खानदान एक सी इन्हों के वाल मुसलमान हो गए तो उन्होंने जेड़े सन वो सिख ही रह गए खून के रिश्तों की खिच होंगी है तड़प होंगी है दर्द होंगी है जेड़े भरास साड़ी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अगर रिक्वेस्ट है कि बाबा जी के जेड़े भरा ने उन्होंने नाल जेड़ा ना ये राबता जेड़ा ना वो करवाया जाए ताकि ये अपने खूनी रिश्तों दोबारा अपनी अखी वेख सकन तो उन्होंने मिल के सीने ठंड पा लैन जिस तरह वो बचपन च एक दूसरे नाल जफी पा के मिलते होंगे सी ते हुण भी वो इस तरह ही इन्हां दे दिल दे विच जज्बात प्यार ते मुहब्बत जेड़े मेरे भरा चढ़दे पंजाब दे विच रहिंदे ने ते वो इन्हां बजुर्गां दे भरा जेड़े ने उन्हां नूं लाजमी इन्हां दे नाल मिला देन मेरा वट्सअप स्क्रीन दे उपर हैगा
मैं रबता कर लें तो फिर मैं इन्होंने बुजुर्गों के नाता रबता करा दाँगा तो मुलाकात मैं इंशाल्लाह करावगा जो अल्लाह ने अगर जिंदगी दी जिंदगी के मामले ने सारे और थाना भी तो पिंड भी जरा इन रिश्तेदार मुलाकात रखाई जाए तो इन्हों एडजस्टमेंट कराई जाए तो फिर कोरीडोर करतारपुर साहब जो मुलाकात होगी इंशाल्लाह।